तरक्याती प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी अगर गाइडलाइन की हम बात करें तो यहां पर सरकारी तौर पर यह कहा जाता है कि जहां से नेशनल प्रोजेक्ट गुजरेगा वहां के साथ में जो रहने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो लाइफ सेविंग का मामला जो है वो भी सामने रखना होता है। लेकिन खटाना बस्ती चमलवास के इलाके में जो है हर मोड़ पे जो है सुर्खियों में रही है ये बस्ती। लेकिन आज भी जिस तरह से पिछले सालों में जो बारिशें होगी उसमें लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और दरारें मकानों के अंदर थी, लेकिन आज भी वही सिलसिला है। चूंकि पिछले दिनों जो बारिशें होगी तो उसमें यहाँ के खटाना बस्ती चमलवास के लोग या खानमोला के लोग, जो चमलवास के लोग हैं, वो शिकायत करते हैं कि जनाब कटिंग जो पहले यहाँ पर शार्प कटिंग हुई है, उसके साथ में जो SDM बनिहाल उस टाइम के जहीर अब्बास ने भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था, तो कुछ प्रोटेक्शन वर्क जो है उनके टाइम में जो है यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन आज भी जिस तरह से बारिशें हुई तो उसमें काफी ज्यादा दरारें हैं, रोड फिर से फट गई है। ये सभी मकान जो है खतरे की घंटी पे है, राडार पे है। थोड़ा सा जायजा दिखाने की कोशिश करूंगा और यहाँ के मकामी सरपंच से भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं दरारें, वहां से आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है यहाँ पे, और ये कैमरामैन पूरा दिखाएंगे कि ये कंक्रीट जो है किस तरह से फट गया है। यहाँ पे आप खुद इस सीध में यहाँ से देख सकते हैं, और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रोड जो है पूरी तरह से फट गया है। और यहाँ पे इन लोगों का मानना है, जो खटाना बस्ती के लोग हैं, इनका मानना है कि जनाब हम हर वक्त जो है नींद में भी जागते हैं कि क्या कहीं हमारे मकान जो है वो सेफ है। 50 से 60 हजार की आबादी चमलवास, क्राचीहाल, इसके साथ में नील, चदूस, बोरदार और जो चकनाडवा के ऊपरी इलाके हैं उनका लाइफ लाइन जो है ये रोड माना जाता है। मुनीर साहब क्या कहना चाहेंगे, सूरत हाल आपके सामने है। मकानों के अंदर भी मैंने एक प्रोग्राम के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है काफी सहमे हुए हैं जब बारिशें होती है, तो इस हवाले से जो है पहले भी इनने ये मामला उठाया था और आज भी ये यहाँ पर फरियाद करे, क्या कहना चाहेंगे? आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, शायद आपका ये दूसरा तीसरा चक्कर है जी। आज के दिन में आपको बताता चलूं कि या तो ये हमारी बदकिस्मती है या हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी किस्म का कोई अजाब रखा है कि आए दिन हमें किसी न किसी मुसीबत से जो है सामना करना पड़ता है। हमने कभी भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म का रुख न डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि इंतजामिया तक पहुंच के हमने इंतजामिया से मिल के बात की। हमारे जो यहाँ पे SDM साहब थे जहीर अब्बास भट्ट साहब, उनको हमने मुतद्दिद बार यहाँ पे लाया और उन्होंने यहाँ का वाकया देखा। हमारी माँ बहनें ये जो खटाना बस्ती की थी, उन्होंने एक दो बार रोड भी बंद किया, अपनी मुसीबत को लेकर उन्होंने मकान खाली कर दिए और उसके बाद थोड़ा सा प्रोटेक्शन का काम करने के बाद उन लोगों ने जो है अपने घरों के अंदर डेरा लिया। इसी तरह से खान बस्ती हमारी है, वहां पे भी ऐसे मामला रहे, कई सियासतदान भी बीच में आए, बड़ी लड़ाइयां झेलनी पड़ी। तो आज के दिन हम ये अब ये चाह रहे थे कि PMGSY की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया था हमारा नील चमलवास रोड का, हम चाहते थे कि अब हमारा रोड जो है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि नेशनल हाईवे की उस गैर जरूरी कटिंग ने, यानी ना तजुर्बाकारी की वजह से, जो घर में सर्वे किया गया था उसकी वजह से जो उन्होंने कटिंग की, मुझे लगता है कि ज्यादा कटिंग की गई। आपको अगर मैं बताऊं, एक टावर यहाँ पे था जी जी, उस टावर के बाहर से प्रोटेक्शन किया गया, लाखों नहीं बल्कि मैं कहूंगा करोड़ों रुपया खर्च हुआ जी जी जी, और उसके बाद टावर को हटाया गया जी जी। अगर वही प्रोटेक्शन इधर पिछली साइड लगाया होता ताकि लोगों को भी उससे राहत मिलती और हमारा रोड भी जो है सेफ रहता। मैंने कबल इसके भी बताया कि इस रोड पे 50,000 की आबादी जो है मुश्तमिल है, ख्वा वो नील का इलाका हो, ख्वा वो चकनवाव का इलाका हो या ख्वा वो चमलवास का इलाका हो, तो यही एक लाइफ लाइन है उनके लिए, जिनसे हमारा बानीहाल जम्मू या कश्मीर का जो है आपसी रब्ता रहता है। देखिए पैराफिट्स जो है वो भी निकल गए हैं, इसके साथ में बड़ी बड़ी दरारें हैं, और ये जिस तरह से कैमरामैन दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी दरारें, सड़क भी निकल गई, कुछ मैग्नमाइज का हिस्सा है। तो आप LG एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या गुजारिश करना चाहेंगे? मैं आरिफ साहब आपको बताता चलूं कि वही मैं कह रहा था कि वो गालिब ने लिखा है कि क्या जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई।
मैंने उसी दिन जिस दिन ये रोड यहाँ से फिसल रहा था, मैंने उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है उनको व्हाट्सएप के जरिए ये मैसेज कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा नुकसान है और कुछ ही दिनों के बाद जो है रोड बंद मुझे लगता है हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा ये पिछली साइड भी यहाँ पे ये इसमें दरारें आ गई हैं और रोड क्रैक हो गया है। आज आपने देखा रोड इस वक्त बंद है, कई गाड़ियां इसी रोड से गुजर के नील वाले रास्ते से मगरकोट को चले जाएंगी और मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक बाईपास का भी वो जो है काम कर रहा था ये रोड जी। तो लेकिन बदकिस्मती से अभी तक न कोई एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बंदा आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्शन का दौर दौरा था, सभी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन में लगी हुई थी, लेकिन आज के बाद भी मैं उम्मीद रखूंगा कि वो हमारी बात को मद्देनजर रखते हुए वो यहाँ पे टीम को लाएंगे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जो उन्होंने गलती यहाँ पे की है उनसे हमारा ये रोड जो है मुकम्मल करवाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन मैं बताने की कोशिश करूंगा, खटाना बस्ती हमेशा सुर्खियों में रही है। जब भी मूसलाधार बारिश हुई तो यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ की जो खवातीन है, हर वक्त फरियाद किया, कभी कभार हाईवे को बंद करने की भी नौबत आई। लेकिन उसके बाद भी अगर हम ये कहें कि जो गाइडलाइन होती है सरकारी तौर पे, चाहे रेल प्रोजेक्ट या हाईवे का जो प्रोजेक्ट यहां से गुजर रहा है, लेकिन आजकल के डिजिटल दौर में भी साल 1947 जैसी सूरत हाल हाईवे पे इस वक्त भी देखने को मिल रही है। उसका जीता जाता सबूत जो है, मैं मुनीर साहब के साथ भी और बात करूंगा, लेकिन हाईवे पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप खुद देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि आजकल के डिजिटल दौर में जब हम अपने बुजुर्गों से कहानी सुनते थे कि बारिशें होगी हाईवे बंद हो गया, कई सौ करोड़ रुपए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे खर्च किए गए, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक की आवाजाही यानी यहां पर बेहतर तरह से नहीं देखने को मिलती है। हल्की सी बारिशें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे बंद, हल्की सी बारिशें यूटी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे बुरा असर, हल्की सी बारिशें और बुजुर्ग बच्चे जो है वो दरमांदा रहते हैं। कई ऐसे मकामात भी हमने पिछले समय देखे हैं कि जहां पर कई कई घंटे तक जो है भूखे प्यासे बच्चे जो है हाईवे पर रहते हैं। ये सुबह से जो है कौमी से जहां 10 घंटे कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा, वहीं पे ट्रकों की बनियाल से लेकर रामसू सेक्टर तक लंबी लंबी लाइनें हैं। और आजकल हम ये कहते हैं कि हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, कहीं न कहीं पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो वर्किंग एजेंसीज में काम करने वाले लोग हैं, क्या तनख्वाहें बचाने के लिए क्या अनप्रोफेशनल लोग जो है इस हाईवे पे काम करते हैं, या वाकई में एफिशिएंट इंजीनियरिंग विंग जो है इस पर काम कर रही है। ये जो ऊपर वाली लेन मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां से ये मलबा है, मलबे के साथ में ये जो नई लेन हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुतदित जगहों से जो है लैंडस्लाइड से भरी हुई है। और जो पुराना जिसपे आप ट्रकें देख रहे हैं दोनों साइड से आगे में, तो ये वो वाली लाइन है जो एग्जिस्टिंग हाईवे पुराना कहलाता है। और कहीं न कहीं पे 9 से 10 साल अरसा गुजर जाने के बाद रामबन बनिहाल के जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है आज भी सुर्खियों में है। कहीं न कहीं पे यहाँ पर जहाँ कई सौ करोड़ रुपए बनिहाल से लेकर रामबन तक कटिंग करने के बाद जो है जिसको छोड़ा गया है, वहीं पे खटाना बस्ती के लोग जो है पिछले कई सालों से फरियाद कर रहे हैं। चमलवास के बिल्कुल एडजॉइनिंग में हाईवे के साथ में कई लोग फरियाद कर रहे हैं कि जनाब हमारे मकानों को नुकसान है, इसकी तरफ देखा जाए यहाँ लोग गुर्बत के शिकार है, नेशनल प्रोजेक्ट को जो है दिलेरी के साथ लोग कॉपरेट करते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी जो है अपनी उस सलाहियत का मुजाहरा करना चाहे कि सरकारी तौर पर जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए, लोगों की बाजाबादकारी के लिए काम कर देना चाहे। और जहाँ पे ये खटाना बस्ती है और जो खान मोहल्ले के कई मकानात हैं, इनको अनसेफ जोन जो है वो करार दिया जाना चाहे और यहाँ पे इनको माकूल मुआवजे के साथ जो है इनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। मुनीर साहब क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम चलाया, मुतअद्दिद लोगों ने हमारे साथ यहाँ पे बात की, उनका मानना कि जनाब ये एरिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन या जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग फाइल लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब कुछ नहीं हो जाएगा मसला, लेकिन अब एक मकान को अंदर जब किचन तक दरारें पड़गी तो उस मकान को आप क्या सेफ या अनसेफ बताएंगे? नहीं, हमने तो उस वक्त भी कहा था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इसको हमने रेड जोन करार दे दिया जी। और रेड जोन करार होने के साथ साथ जहां पे यहां की जो बस्तियां हैं, खटाना बस्ती थी या खान बस्ती थी, उन्होंने अपनी रिहाइश यहां से तरक करके और दूसरी जगहों पे चले गए थे। और कल की जो बारिश हुई है दोबारा वो लोग फिर खौफजदा हो गए हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अनसेफ है और एडमिनिस्ट्रेशन को इस इलाके को ही
रेड जोन करार दिया जाना चाहिए और ये इलाका अनसेफ करार दिया जाना चाहिए। तो वर्धन में भी एक बड़ा इशू है, वहां पर भी जो है 90 डिग्री एंगल से जो कटिंग हुई है वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की भी नोट्स में है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भी नोट्स में है। वहां के लोग भी, वगन के लोग फरियाद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जनाब बारिश होती है तो हमें बिल्कुल स्कूल हो, मस्जिद हो, तकरीबन 40 के करीब जो घर है वो बिल्कुल थ्रेट में है, वहां के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आरिफ साहब आपको बताता चलूं कि वगन बदकिस्मती का ये अलम रहा कि जो हमारे उस वक्त के डीसी साहब थे मसरतुल इस्लाम साहब, उनको मैंने बनफ्स नफीस वहां पे पैदल लाया और उन्होंने मौका देखा। मुतअद्दिद बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चिट्ठियां लिखी गई, उन्होंने कहा कि हम इनका रास्ता भी बना के देंगे, हम दीवारें भी लगाएंगे, हम इनको रिहैबिलिटेट भी करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। और यहां तक कि पिछली जो हालिया बारिशें हुई पिछले दिनों में, पिछले महीने में, वहां का एक प्राइमरी स्कूल था जो बिल्कुल नीस्त नाबूद हो गया और जितने भी मकान वहां पे हैं वो तो 150 के आसपास वहां पे मकान हैं, वो सभी वो जो है नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब उनके पास जगह ही नहीं है तो वो रहने के लिए मजबूर है। और मैं ये बताता चलूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वजह से अभी हमारी वगन की बस्ती बिल्कुल खतरे में है, खटाना बस्ती बिल्कुल खतरे में है, हमारा खानपुरा बिल्कुल खतरे में है और यहाँ तक कि हमारा चमलवास का ऊपर वाला जो एरिया है उन लोगों तक भी टंडल निकालने की वजह से कहीं न कहीं उन घरों में भी दरारें आ चुकी हैं। और इस बस्ती को मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ तो हम बिल्कुल नहीं है और न कभी हमने बात की है, न कभी हमने ये कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन के किसी मामले में हम टांग अड़ाए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने रोड जाम करके, चक्का जाम करके अपना फायदा उठाया, हम पे अगर कोई ऐसी बात साबित कर देगा कि हमने रोड बंद करके कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को तंग करने की कोशिश की होगी या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी किस्म का हमने नाजायज सलूक किया होगा, तो मुझे लगता है कि जितनी सजा के हम हकदार होंगे उससे दुगनी देनी चाहिए। लेकिन हमने फरियाद की कि हमारा एक चश्मा था शेर बीबी के अंदर जो एक शाहरग थी, दिल्ली से बम्बई से जब लोग निकलते थे तो पानी पीते थे। मनीष साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरी एक बड़ी बुरी खासियत है कि मैं जो है चीजों को सच ही हमेशा बोलने की कोशिश करता हूं। आप इसे अच्छी खासियत बताइए या बुरी, बनियाल के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि अगर उनके मैं नाम ले लूं तो मैं उनके पोल भी खोल सकता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो है यहां पर अपना सेफ जोन, जिस तरह से आपने कहा कि अपना ठेका या अपनी कहीं पे अंदरूनी जो है वो कनेक्टिविटी है उसको लेकर जो है लोगों के हित की जो है बात नहीं करते हैं। इसलिए जिस तरह से आपने देखा सड़क फटी हुई है, अंदर दरारें हैं और लोगों के जो है जो मसाइल है वो पूरी तरह से हल नहीं हो रहे। मैं मुझे लगता है कि एक बार जब कश्मीर के अंदर हालात खराब हुए तो पुलिस अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरियाज को साफ कर रही थी, तो मैंने एक SHO साहब को कहा कि मैंने कहा कहते तो हैं कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा खराब है तो आप छोड़ क्यों रहे हैं इनको, तो उसने कहा हमारा एरिया साफ हो जाए तो आगे जो होना है वो होने दो। तो मुझे यही लगा कि जो ऑफिसर आता है वो अपना वक्त निकालता है, लोगों के साथ जो हो सो हो वो अल्लाह के नाम पे हो, छोड़े जा रहे हैं तो रात को बारिशें आती हैं तो लोग बैठे रहते हैं अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के साथ पूरा इंसाफ जो है वो नहीं हो रहा है। नेशनल प्रोजेक्ट भी हमारे लिए थे, ये सड़कें भी हमारे लिए है, ये कानून भी हमारे लिए है, लेकिन जहां गरीब ही नहीं रहे तो उस कानून को या उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, जहां इंसान ही नहीं रहेंगे तो। चले नाजिर, जाते जाते मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, देश भी हमारा, सड़कें भी हमारी, टनल भी हमारे और ये लोग भी हमारे और हम इसी देश के रहने वाले हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने देश को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन उसमें जो इन प्रोजेक्टों के ऊपर जो तैनात लोग हैं उनको कम से कम जो है गरीब लोगों की भी बात सुननी चाहिए, बनस्बत की जो कुछ लोग अपनी प्रेजेंस जो है वहां पर मीटिंग में देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना फायदा ढूंढने की तलाश में होते हैं और ऐसे बस्ती में मेहनतकश लोग जो है वो रह जाते हैं, जो उनका पूरा हक होता है वो उनको पूरी तरह से नहीं मिलता है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हाईवे के साथ में लगने वाले वगन का इलाका, खटाना बस्ती का इलाका, खानमोला का इलाका, रामसू का इलाका, जहां पर लोगों को जो है अपना फायदा जो है वो माकूल मिलना चाहे जायज तरीके से, रिहैबिलिटेशन के हवाले से, नुकसान के हवाले से, ताकि वो परिवार भी खुशहाली से जिंदगी गुजारे और हाईवे और उसके साथ में बाकी प्रोजेक्ट में भी खुशहाली देखने को मिले। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेजबान आरिफ मुईद आपसे रुखसत होना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द फिर करेंगे आपसे मुलाकात। जब तक के लिए खुदा हाफिज, आप सब खुश रहें।